और देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी कवर है और ये चाट वाले ने रो ये रिक्शा, लेकिन इन रिक्शों ने तबाही फैला रखी है इस पूरे। बेसिकली यहाँ पे डल रही है सेवरेज की लाइन। आप कराची पोर्ट पहुँच जाएंगे, मारीपुर पहुँचेंगे, गार्डन पहुँचेंगे, सीधा जाएंगे तो सिविक सेंटर के पास पहुँचते हैं हम। तो बस ये देखिए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम मौजूद हैं व्यूअर्स इस वक्त नाज़माबाद पेट्रोल पंप के इलाके में। ये है सामने ईदगाह ग्राउंड और ये रहे बादल और ये हैं कबूतर दाना खाने में मसरूफ़। दूर दूर तक गहरे से आप बादल छाए हुए हैं और ये है अंडरपास नाज़माबाद पेट्रोल पंप का। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं कुछ कराची के इस मौसम में क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों की। तो यहाँ से चलेंगे लियाकताबाद और लियाकताबाद से आगे मज़ीद दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह करते हैं। यह है नाज़माबाद का पेट्रोल पंप का ब्रिज, सिग्नल बंद है इस वक्त। और सामने बैनर लगा है जमात इस्लामी का, पानी की कमी पूरे शहर भर में हर तरफ मौजूद है, पानी लोगों को नहीं मयसर पीने का। ये देख रहे हैं आप रॉन्ग साइड, यहाँ भी चले आ रहे हैं। ये रास्ता जा रहा है लियाकताबाद लालू खेत की तरफ। बढ़ते हैं आगे और मज़ीद देखते हैं। ये अंडरपास के साथ साथ हम चल रहे हैं इस वक्त। जी व्यूअर्स, तो ये है लियाकताबाद सीवन एरिया, घने दरख्तों से घिरा हुआ दरख्त जो हमारे और आने वाली ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। दरख्त लगाइए अपने लिए, मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। और ये हम गुज़र रहे हैं गुजर नाले से, गुजर नाले के ऊपर से ये ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर से हम गुज़र के आगे बढ़ रहे हैं। और कराची का मौसम शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में कैसा है वो दिखा रहे हैं। अब हमारी मंजिल है लियाकताबाद 10 नंबर। खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, सामने बोर्ड है मुख्तलिफ जगहों की निशानदही के लिए। सीधा जाएंगे तो अंडर पास में एंटर होंगे लियाकताबाद 10 नंबर के। तो हम ऊपर से चलते हैं, ये फर्नीचर मार्केट लियाकताबाद की। प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर यहाँ पे दस्तियाब हैं। और ये अंडरपास जा रहा है यहाँ से, शुहदाए हक के नाम इस अंडरपास का नाम है। और अंडरपास के उस तरफ फर्नीचर मार्केट है, एक बहुत बड़ी लियाकताबाद की फर्नीचर मार्केट है जहाँ लकड़ी के फर्नीचर दस्तियाब हैं। और सड़क पे तमाम लोडिंग ट्रक खड़े हुए हैं, इनक्रोच किए हुए हैं, बड़े हिस्से को इनक्रोच कर रखा है सड़क पे। लो भाई, हैदराबाद जाना है, चले आओ सिर्फ 400 रुपए में।
देख रहे हैं आप कितनी बड़ी चौरंगी पे कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने। यहाँ पे सिग्नल का निज़ाम कोई भी नहीं है, विदाउट एनी सिग्नल जिसका जब दिल चाहता है वो रोड पर आ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक को जल्दी है पहुंचने की, और ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। ये देखें आप, ये देख रहे हैं ये बैन है ये रिक्शा, लेकिन इन रिक्शों ने तबाही फैला रखी है इस पूरे इलाके में। इस पूरे इलाके में क्या, पूरे कराची में तबाही फैली हुई है। और क्यों फैली हुई है उसकी वजह भी है, सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का ऊपर काम ही नहीं करती है। 300-400 बसें चला के वो समझती है कि हमने अपना काम कर लिया, जबकि शहर में कम से कम 15,000 से 20,000 बसों की ज़रूरत है। ये इतना बड़ा शहर है और इतनी बड़ी आबादी है। सदके के बकरे बिकने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मज़ीद तफसीलात मौसम के बारे में और शहर के बारे में। और यहाँ पे मौजूद है एक्सकेवेटर मशीन, और ये खुदाई बेसिकली यहाँ पे डल रही है सेवरेज की लाइन। ये सब खुदाई हुई हुई है और सेवरेज की लाइन यहाँ पे नई डाली जा रही है। पेडिस्ट्रेडियन ब्रिज मौजूद है, फिर भी सड़क के ऊपर से रोड क्रॉस किया जा रहा है अपनी जानों को ख़तरे में डाल के। ये सब खुदाई के मनाजिर आप देख रहे हैं ना, यहाँ सब नई सेवरेज की लाइन डल रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं अंडरपास से होते हुए। ये सब यहाँ पे काम हो रहे हैं इस वक्त सर्विस की लाइन के हवाले से। तो अंदर से चलते हैं अंडर पास से होते हुए, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ रहें, देखिए जानिए। इस अंडर पास का नाम है शहीद फरीद अमजद साबरी अंडर पास। ये रहा नाम लिखा हुआ है दीवार पे, अमजद फरीद साबरी अंडर पास, दोनों अतराफ में। चलें भाई, अंडरपास से बाहर आ गए हैं, और ये लीजिए अब हम मुकम्मल तौर पे अंडरपास छोड़ चुके हैं पीछे। और यहाँ है लोहे की फर्नीचर की मार्केट, किचन कैबिनेट सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। गहरे से बादल यहाँ भी छाए हुए हैं। घने दरख्त मौजूद हैं, और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा है बोर्ड पे वो पढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये है लियारी एक्सप्रेसवे पे जाने का बोर्ड, जिस पे जाकर आप कराची पोर्ट पहुंच जाएंगे, मारीपुर पहुंचेंगे, गार्डन पहुंचेंगे। ये है यहाँ की फर्नीचर मार्केट, फुटपाथ सारी की सारी इंक्रोच हुई हुई है। इंक्रोचमेंट में तो हम मास्टर हैं ना भाई, बस जो भी सामान है दुकान के अंदर नहीं बिकेगा, रोड पे रख के और फुटपाथ पे रख के बिक जाएगा। और यहाँ पे ये गाड़ियों की इंक्रोचमेंट, वो है बाटवा हाउस, और ये है रास्ता लियारी एक्सप्रेसवे पे जाने का। ये सामने वो देख रहे हैं आप गाड़ियाँ दो तीन दो खड़ी हुई हैं, इनकी मदद से आप इस गेट से होते हुए लियारी एक्सप्रेसवे पे चले जाएंगे। ये है लियारी एक्सप्रेसवे। और अब हम आ गए हैं लियारी नदी के ब्रिज के ऊपर। ये देखें आप रॉन्ग साइड, देख रहे हैं आप स्पीड, देखें आप बादशाह बने हुए रोड के। रॉन्ग साइड आएंगे और स्पीड के साथ आएंगे, सीधा जाएंगे तो सिविक सेंटर के पास पहुंचते हैं हम। तो बस हमारे साथ साथ चलिए, जानिए, और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। यह है गुलशन इकबाल 13D की फर्नीचर मार्केट, सब इंक्रोचमेंट है, सब कब्जा है।
ये सड़क पे रखा हुआ है, फुटपाथ तो पूरी घेरी हुई है, सड़क तक पे फर्नीचर मार्केट ने कब्जा कर रखा है और कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को ख्याल नहीं है हम क्या कर रहे हैं, किन रास्तों पे चल रहे हैं। 50 रुपए में कुल्फी दस्तयाब है। मेन रोड पे ट्रैफिक जाम हो चुका है, एलपीजी सिलेंडर भी रखे हैं, मैकेनिकों की गाड़ियां भी यहीं बन रही हैं, चाय का होटल भी यहीं खुला हुआ है। इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये देखें आप। बस देखते जाइए आप, फुटपाथ देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी कवर है और ये चाट वाले ने रोड पे ही अपना सेटअप बना लिया है। जूस वाला, टेस्टी बर्गर, यूफून और सड़क के जानेब ठेले। ये है कब्जा माफिया जिसने शहर को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। WN हाइट्स और वो सामने है कराची लोकल ट्रेन जिस पे अरबों रुपए खर्च हो गए और काम रुक गया। उस पर फिर हम कभी किसी और मौके पे मज़ीद अपडेट देंगे। तो बस ये देखिए आप, ये है माफिया, इसको कहते हैं माफिया। ये है कब्ज़ा और दादागिरी के साथ कब्ज़ा कि हमारा हक है ये। चलें भाई आगे बढ़िए, मेन रोड पर आ गए हैं हम और आगे बढ़ रहे हैं हम, यहाँ पहुँचेंगे हम यूनिवर्सिटी रोड पर। ब्रिज के ऊपर से चले आएंगे तो स्टेडियम की तरफ रास्ता जाता है। इसे ब्रिज की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन हमने ब्रिज पे नहीं जाना, हम ब्रिज के नीचे से चलेंगे। तो हमारे साथ साथ रहिए, देखिए हमने क्या क्या दिखाया और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये सामने ब्रिज है जस्टिस निज़ाम अहमद के नाम से, लेकिन हम यहाँ से नीचे जाएंगे और थोड़ा सा आपको रेड लाइन के प्रोजेक्ट का भी मंजरनामा दिखाएंगे, क्या सूरत हाल है वहाँ। कई अरसे से, काफ़ी अरसे से काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। अरबों का प्रोजेक्ट, पता नहीं कितने अरबों पे पहुंच चुका है, लेकिन काम नहीं हो रहा। लीजिए जी, अब हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी रोड पे। ये रही सामने यूनिवर्सिटी रोड, ये यहाँ की फूड स्ट्रीट शुरू हो गई। यहाँ से शाम के वक्त यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होगी, कब्ज़ा माफिया यहाँ पे ऐसा है। और ये यूनिवर्सिटी रोड पे पानी जमा हुआ हुआ है। अब पता नहीं बारिश का है कि सेवरेज का है। और ये रहा रेड लाइन का प्रोजेक्ट, बंद पड़ा हुआ है।
कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पर किसी भी किस्म का। तो व्यूअर्स ये थी एक छोटी सी अपडेट, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।